हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्टेप को कैसे हम स्टडी करते हैं साइट पे। ठीक है, तो मैं छोटी सी छोटी चीज बताने वाला हूँ इस स्टेप के बारे में, तो कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? जिन्हें पता है वो जाके स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप मेरे हाथ में एक टेप देख रहे हो, मेजरिंग टेप है, जिससे हम मेजर करते हैं साइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये टेप है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये कंपनी का नेम है, जो कंपनी इस टेप को बनाई है उसका नाम है ये। ठीक है, फ्रीमैंस। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 मीटर लिखा हुआ है। ये 5 मीटर का मतलब क्या है? इस टेप से हम मैक्सिमम लेंथ जो मेजर कर सकते हैं वो 5 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, और 19 mm क्या बोलता है? इस टेप का जो विथ है, इसका मतलब क्या? देखो, ये टेप जो है, ये टेप देख रहे हो, ये टेप का जो ये विथ है ना, ये विथ अगर ये चौड़ाई मापोगे कितना है, तो ये 19 mm है हमारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो हम लोग बाहर के चीज को देख लिए, बाहर में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग अंदर इसको खोल के इसको स्टडी करते हैं कि हम लोग यूनिट इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं साइड पे। ठीक है, हम लोग छोटे यूनिट से स्टार्ट करेंगे और बड़े यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ देखिए टेप ये स्टार्ट होता है। पहले मैं नीचे का बताता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे आपको 1 और 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये जो नंबर है ना नीचे, 1 2 3 4 5 6, ये एक्चुअली में सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे अगर होगा 1, तो ये है 1 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 देख रहे हो ना, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह करते करते ये चला जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ 1। जब जैसे ही आ जा रहा है ये 1, इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 14 15, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर में छोटे छोटे 10 डिविजन्स है। आप कोई भी देखोगे, जैसे 6 से 7 पकड़ लो, यहाँ पे 6 से 7 अगर पकड़ लेंगे, तो इसके अंदर में हमारे 10 डिवीजन है, स्मॉल स्मॉल। ये जो मिड में देख रहे हो, यहाँ तक 5 डिवीजन, और यहाँ तक फिर से 10 5 डिवीजन, मतलब ये टोटल में आएगा 10 डिवीजन। तो ये जो स्मॉल स्मॉल डिवीजन है, ये एक्चुअली में है मिलीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर जाने के बीच में हमें 10 मिलीमीटर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? तो देखो, अगर हम मिलीमीटर में जब स्टडी करेंगे ना, आप जानते हो इंजीनियरिंग का यूनिवर्सल यूनिट जो है वो मिलीमीटर है, तो हमें मिलीमीटर में स्टडी करना आना चाहिए किसी भी टेप को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मिलीमीटर में कैसे स्टडी करते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे जो 1 है वो 1 सेंटीमीटर था, मगर आप मिलीमीटर बोलेंगे तो वो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। 22 जो जहाँ पे होगा वहाँ पे 20 मिलीमीटर, 3 जहाँ पे है यहाँ पे 30, ये 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा 90, ये 100 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 110 मिलीमीटर, 110, 120। इसी तरीके से सपोज आप साइड पे कुछ मेजर किए, और मेजर करते वक्त आपका जो वो मेजरमेंट आया वो सपोज यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, तो ये कितना है? 115 मिलीमीटर, 110, और ये 5, मतलब 115। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग आगे चले जाएंगे, सपोज देखो ये 20 है, मतलब 200 मिलीमीटर। सपोज यहाँ पे आपका कोई एक यूनिट आया, तो ये 235 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिलीमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर में सीख गए, मिलीमीटर में सीख गए। अब हम आपको सिखाएंगे इंच के बारे में। तो जो ये आप ऊपर देख रहे हो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये हमारा इंच है। ठीक है, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 इंच, इसी तरीके से ये करते हुए चला जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन देखिए, 12 की जगह 12 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 01 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 12 इंच, मतलब यहाँ पे ये 01 जो लिखा है ना, ये एक्चुअली फिट है, हमारा 1 फिट यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? 1 फिट में कितना होगा? 12 इंच। 12 इंच की जगह देख रहे हो, यहाँ पे 01 लिखा है, मतलब यहाँ पे आपका 1 फिट हो गया। तो 1 फिट में हमारा 12 इंच होता है। इससे इसका मतलब क्या हुआ? 24 इंच में कितना होगा? 2 फिट। तो चलो हम लोग 24 पे देख लेते हैं, 02 लिखा है कि नहीं।
इस टेप में इस तरीके से लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर टेप में ऐसे ही लिखा रहेगा। बहुत सारे टेप मैंने देखा है जिसमें ये 12 भी लिखा रहता है, 01 बोल के नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं 24 इंच की जगह 02 लिखा है कि नहीं। तो ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद देखो यहाँ पे 24 नहीं लिखा हुआ है, 24 इंच की जगह 02 लिखा है, मतलब ये 2 फीट। ठीक है, अब एक चीज गौर कीजिएगा, आप तो ये समझ गए ना, इंच देखना समझ गए, फीट कैसे देखोगे समझ गए, 2 फीट यहाँ है, आगे चल जाओगे तो आपको मिल जाएगा फिर ये 3 फीट। ठीक है, 36 इंच, 36 इंच। अब एक चीज देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये तो आपका 36 इंच हो गया। ठीक है, अब हम लोग साइड पे क्या 36, 37, 38 इंच ऐसे करेंगे? नहीं, हम लोग फीट इंच दोनों मिलाकर स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3-1, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3-2, यहाँ पे लिखा है 3-3। इसका मतलब क्या है? ये 3 फीट खत्म हुआ ना, ये 3-1 मतलब 3 फीट 1 इंच। 3 फीट 1 इंच किसको बोल रहा है? 37 इंच को। 38 को क्या बोल रहा है? 3 फीट 2 इंच, देख रहे हो, 3-2। यहाँ पे देखिए 39 इंच को लिखा है 3-3, इसका मतलब 3 फीट 3 इंच। क्लियर हुआ? ऐसे ही देखिए कहीं भी आप देखोगे, जैसे 27 इंच को यहाँ पे 2-3 बोला है ना, 2-3 का मतलब है 2 फीट 3 इंच, ये 2 फीट 2 इंच 26 को। तो समझ गए, इस तरीके से भी स्टडी करते हैं। अब हम इंच को तोड़ के पढ़ते हैं, यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, ये देख रहे हो ये डायमंड टाइप का, और एक 16 इंच पे ये ब्लैक मार्किंग जो है, मैं बताऊंगा ये क्या है। पहले आप इंच के अंदर का पार्ट समझ लो, ये देखिए, अब ये 13 से 14, मैं इसको 1 इंच मानता हूं। ठीक है, अब देखिए 1 इंच कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फिर 4 पार्ट देखो फिर से वापस दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये देखिए ये 13 से यहां तक अगर आएंगे ना, इसके अंदर में और ये 2 डिवीजन है, एक डिवीजन ये इधर का हुआ और एक डिवीजन ये वाला पार्ट हुआ। समझ गए मेरी बात? अगर ये आपका 1 डिवीजन है और ये आपका 1 डिवीजन है, ठीक है, इसी तरीके से ये फिर आप नेक्स्ट हाफ में ये डिवीजन हो गया, फिर देखिएगा तो ये डिवीजन हो गया, फिर देखिएगा तो ये डिवीजन और ये डिवीजन हो गया। तो टोटल पहला 1 इंच में कितना डिवीजन था? 4 डिवीजन, मतलब बड़ा बड़ा देखो 4 डिवीजन है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, 4 डिवीजन हुआ ना। इस 4 डिवीजन को कैसे लिखते हैं पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं सूत का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो बताता हूँ, पहले देख लो। ठीक है, इस पेपर में मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा, जैसे यहाँ से सपोज ये 1 इंच है, ठीक है, मतलब कोई भी आप मान लो ना, यहाँ से यहाँ के बीच में 1 इंच है, ये 1 इंच, तो अंदर में देखिएगा कुछ इस तरीके से डिवीजन है। सपोज ये मैं लिख देता हूँ, ये 13 इंच, ये 14 इंच, मतलब ये डिफरेंस कितना हुआ 1 इंच का। अब अंदर में देखिएगा इस तरीके से डिवीजन होगा, पहले तो 4 डिवीजन में होता है, 4 डिवीजन मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसको लिखते कैसे है देखो, यहां से ये 13 इंच है, ये 14 इंच है, सपोज हम कुछ मेजर किए और इस पार्ट पे आया, इस पार्ट पे आया, ठीक है, इस पार्ट पे आया, मतलब टेप पे देखो किस पार्ट पे आया, मैं इसको मान लेता हूँ 14-15, क्योंकि उस टेप में ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, 14-15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 और 15 में, यहाँ पे मैं 4 डिवीजन आपको बताया ना, ये 1 डिवीजन, ये 1 डिवीजन, ये वाला 1 डिवीजन, मतलब 3 डिवाइड करोगे तो 4 पार्ट बन जाएगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। सपोज आप कुछ मेजर किए साइड पे और वो आया यहाँ पे इस पार्ट पे, तो 14, इसको क्या लिखोगे आप साइड पे, 14 1/4 इंच। ठीक है, 14 1/4 इंच। ठीक है, अब आप देखो बीच में आया, मतलब यहाँ पे इस पार्ट पे जब आप आएगा तो इसको आप बोलोगे 14 1/2 इंच, मतलब 14 1/2 इंच। ठीक है, अब आप देखो आपका यहाँ पे आया इस पार्ट पे, मतलब यहाँ पे, तब इसको आप बोलोगे 14 3/4 इंच। ठीक है, अब जब यहाँ पे आएगा तो ये आपका पूरा पूरी 15 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, ये तो हुआ पहला 4 डिवीजन, पहला 4 डिवीजन। अब
टेप में क्या है, देखना टेप के अंदर में, ये चार डिवीजन के अंदर में भी फिर डिवीजन है, मतलब टोटल कितना डिवीजन हो गया, 1 इंच में 8 डिवीजन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये होता है सूत, ठीक है। ये हो गया 14 इंची एक सूत, अगर यहाँ पे आता है तो, ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 14 इंची 2 सूत, ये 14 इंची 3 सूत, ये 14 इंची 4 सूत, 14 इंची 5 सूत, 6 सूत 7 सूत, 8वें सूत में ये, तो इससे आप क्या समझे, 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत, ठीक है। सूत बहुत जगह सूता बोलते हैं, सूता भी बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है, 1 इंची में 8 सूत होता है, तो ये इंच के अंदर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, अब आप देखिए यहाँ पे, आप 16 इंच के यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल टाइप का डिमार्केशन है, ये डिमार्केशन का मतलब क्या है, बहुत को ये पूछोगे, तो ये अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा इसके बारे में। पहले जमाने में जब कबर्ड बनाया जाता था ना, फर्नीचर का कबर्ड, तो एक पैनल से दूसरे पैनल का जो मेजरमेंट होता था, एक पैनल से दूसरे पैनल का जो मेजरमेंट होता था, वो स्टैंडर्ड होता था 16 इंच का। तो तभी से ये चीज चला आ रहा है, और 16 16 इंच के इंटरवल में देखिएगा ऐसा डिमार्केशन होता है, ये कारपेंट्री वर्क में यूज होने के लिए ये डिमार्केशन होता है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंस है, और मैंने ये भी सुना है कि चेन सर्वे से लिंक होता है ये चीज, चेन सर्वे से, लेकिन चेन सर्वे से जो लिंक है वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, बट जो कारपेंट्री वाला जो मैं रीजन बताया वो रीजन मेन है, आपको कहीं भी वही चीज मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ड्राइंग में बता दूं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए, जैसे ये कबर्ड बना है ना, तो कबर्ड का जो शेल्फ वो डिवाइड होगा पार्ट पार्ट में, तो ये 1 1 16 इंची का होता था पहले, ठीक है, सॉरी डबल इंच, ये 16 इंची का, तो इसी चीज को माइंड मद्देनजर रखते हुए इस चीज को कारपेंट्री यूज के लिए बनाया गया था 16 इंच करके, ठीक है। और एक चीज अब आप यहाँ पे देखोगे, देखिए 19 के पास में यहाँ पे एक डायमंड टाइप का शेप है, रोम्बस टाइप का, ठीक है, 19 के पास में है, फिर 38 के पास में होना चाहिए, तो ये देखिए फिर 38 के यहाँ पे है, तो इसका रीजन मुझे भी नहीं पता है ये क्यों दिया हुआ है, ये मैं दूसरे टेप में नहीं देखा हूँ, फ्रीमैंस के टेप में ये मैं मार्किंग देखता हूँ, तो जल्दी फ्रीमैंस वाले ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। अगर जो वीडियो मेरा देख रहे हैं आप लोगों को अगर पता है इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट में बता के मुझे बता दीजिए ये क्या चीज है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये क्या है, तो किसी को अगर पता है तो प्लीज मुझे भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को टेप रीड करना, टेप स्टडी करना समझ में आ गया होगा, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।